हेलो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, होपिंग फाइन डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल्स क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन का। आपको याद होगा कि हमने वर्ड के अंदर अभी तक कैरेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हमने पढ़ा था। और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आपको पता है कि अगर मुझे एक लाइन पे या एक वर्ड पर डालनी होती है, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर हम स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग और डेकोरेटिव फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, जिसका डायरेक्टली ताल्लुक जो होता है पैराग्राफ से होता है, ठीक है। लेकिन अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टाइल्स का, स्टाइल बेसिकली हम जो बनाते हैं उसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि ये ग्लोबल इफेक्ट करता है हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। सबसे पहली चीज़ ग्लोबल इफेक्ट क्या होता है अभी हम देखते हैं। स्टाइल्स में हम अपनी फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस फॉर्मेटिंग को हम किसी और डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइल्स नेविगेशन पेन पर भी नज़र आता है और स्टाइल की मदद से हम TOC टेबल ऑफ कॉन्टेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक के अंदर स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे, स्टाइल्स को मॉडिफाई करेंगे। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बनाई हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 हेडिंग्स और टॉपिक नंबर 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। आप देखिएगा स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोर स्टाइल्स के बटन के ऊपर आपके पास स्टाइल्स आ रहे हैं। हेडिंग 1, टाइटल, इस तरह के स्टाइल्स आ रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट स्टाइल्स का ऑप्शन भी आ रहा है, क्लियर फॉर्मेटिंग का भी आ रहा है, अप्लाई स्टाइल्स का भी ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर आप डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टाइल्स क्रिएशन मॉडिफिकेशन के ऑप्शन भी आ जाएंगे। और यहाँ पे जो स्टाइल्स यहाँ पे आ रहे हैं इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, ये स्टाइल्स पेन भी कहलाता है। स्टाइल्स पेन को अगर आप बड़ा कर लें तो इसके अंदर आपके पास प्रीव्यू भी आ रहे हैं, जो स्टाइल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है, जो वर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास न्यू स्टाइल्स, स्टाइल स्पेक्टर और मैन स्टाइल, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, पहले तो आपको गैलरी एक्सपेंड करके देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये स्टाइल्स के ऊपर जाके यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को अप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। हमारा काम जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो है वो बेसिकली करना क्या है कि हमें स्टाइल्स को अप्लाई करना है बने बनाए, ठीक है। प्री मेड स्टाइल्स इसके लिए हम सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ हेडिंग 1, ठीक है। अच्छा, हेडिंग 1 को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग बनाई, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलरिंग कर ली और उसके फॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ कर लिया। अब ये हेडिंग मुझे सब पे चाहिए तो मैं फॉर्मेट प्रिंटर लेता हूँ, डबल क्लिक करके और यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, जो कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है। अब ये मैंने 5 जगहों पर फॉर्मेटिंग कर ली जो मेरी पसंद की फॉर्मेटिंग है। मैंने रिव्यू करवाया, फिर बाद में मुझे या मैं किसी को दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, उसने बोला नहीं है रेड, नहीं कुछ और कलर कर दो। तो आप ये देखिएगा कि अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लू चेंज करना है तो आपको रीफॉर्मेट करना पड़ेगा। आपको पहले तो चेंज करना पड़ेगा वो, और उसके बाद जाके आपको हर जगह पर रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा रीफॉर्मेट करना पड़ा, लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ है वो है कि रीअप्लाई करना, कि ये तो अभी क्लाइन के अंदर है। इमेजिन करें ये हेडिंग पहले पेज के ऊपर, ये 5वें पे 8वें पे आई, आपको स्क्रॉल करके सर्च करके ऊपर जाके पेंट करना पड़ेगा। तो ये ग्लोबल नहीं है, ठीक है, ये ग्लोबल इफेक्ट नहीं है। मैं स्टाइल्स की बदौलत ये काम कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ चेंज करूँगा तो सब जगह अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है वो व्यू में आप नेविगेशन पेन पर चले हैं तो ये सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा, ठीक है, हेडिंग्स सर्च में नहीं आ रही होती हैं। तो हम इन सबको हटाते हैं यहाँ से, मैं सिलेक्ट करता हूँ सबको, सिलेक्ट करके हम होम में जाते हैं और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते, ठीक है, नॉर्मल आ गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा हेडिंग 1 है, ठीक है। हेडिंग 1 मैंने अप्लाई करा, सेम मैं सबको सिलेक्ट करके हेडिंग 1 अप्लाई कर देता, ठीक है। इसी तरीके से मैं टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 पे आता हूँ, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, इन सबको सिलेक्ट किया और मैंने इसमें मतलब हेडिंग 2 डाल दिया। ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 2 है हमारे पास, बाज़ाहिर आपको एक जैसी लग रही है लेकिन ये थोड़ी छोटी और ये बड़ी है, ठीक है। अब मैं व्यू में आता हूँ और नेविगेशन पेन में जाता हूँ तो अब आपको देखिए नज़र आ रहा है कि ये बड़ी हेडिंग्स, आप कोलैप्स कर सकते हैं हेडिंग्स को, ये आपको यहाँ भी पता चलेगा, आप कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोलैप्स कर सकते हैं, आप रीअरेंज कर सकते हैं इनको। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप हेडिंग्स को मूव कर सकते हैं यूँ, वरना आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। आप उठा के इसको करना चाहें, रीडिंग के ऊपर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ले जाएं,
तो ये आप देखिए कितनी आसानी से आपने शफलिंग कर ली बिटवीन द हेडिंग्स, आपने एक्सपेंड क्लेस भी कर लिया। ये इसने सोचा ये मेन हेडिंग वन है, बड़ी हेडिंग्स है, और उसके अलावा जो है इसके बाद हेडिंग नंबर टू जो है ना वो ये है। हमारे पास हेडिंग के लेवल्स होते हैं, अगर आप वेब डिज़ाइनर्स हैं तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो आप ये देखें, मेन चीज़ बताने का मकसद ये कि आप स्टाइल्स जो होते हैं वो नेविगेशन पेन में नज़र आते हैं, और आप क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ आपको बता दी गई है। अब आते हैं कि स्टाइल्स जो हैं जो आपने अप्लाई करें, स्टाइल्स को अप्लाई करने के अंदर आपको उसको मॉडिफाई करना आना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे बेसिकली इस स्टाइल को मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इस हेडिंग वन के ऊपर, मैं राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई पे जाऊँगा। मॉडिफाई पे जाने के बाद मैं इसके अंदर जो भी कलर चेंज करना चाहूँ वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जो भी चीज़ आपने कहा कि इसका फॉन्ट 18 कर दो, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, इसका कलर जो है वो पर्पल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अच्छा, इन सेटिंग्स को भी हम देखेंगे जब हम अपना नया स्टाइल बनाएंगे, अभी हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ये तमाम सेटिंग जो पैराग्राफ और फॉन्ट में अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको टॉट करी हैं, बताई हैं, पढ़ाई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, ठीक है। आपको फॉन्ट में चेंज करना है, पैराग्राफ में चेंज करना है, कोई भी चेंजिंग बनाना है, बॉर्डर बनाना है, आप बॉर्डर बना सकते हैं। बॉक्स में गए, आपने कहा कि भाई मुझे ये और ये बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे ये बॉर्डर चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया, आप सेंटर टेक्स्ट कर लिया आपने। अब आपको नज़र भी आ रहा है कि ये देखें मॉडिफाई हो रहा है, यहाँ पे ये मॉडिफाई हो रहा है, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ये मेरे पास ये आ गया। तो स्टाइल्स जो होता है ये आपने मॉडिफाई करे, ग्लोबली इफेक्ट पड़ा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, वो जहाँ जहाँ पे भी आपने हेडिंग वन अप्लाई करा होगा उसमें चेंज आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे भी करते हैं, मैं कहता हूँ कि काम करता हूँ, हेडिंग टू पर जाता हूँ, उसको मॉडिफाई करता हूँ। मैं मॉडिफाई में गया, मैंने इसको सिर्फ सिंपल सेंटर कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर कलर ये रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। सी, तो आपके पास चेंजिंग कर रहा। अब अच्छा, इसमें चीज़ जो नोट करने वाली वो ये है कि आपको जो ट्राई आउट करनी है वो ये है कि जो जैसे मैंने बॉर्डर को अप्लाई करा, वो तमाम चीज़ें जो फॉन्ट्स में पैराग्राफ्स में आ रही होती हैं उन सबको आप जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ से जाके, और यहाँ से वो सारी रिकॉर्ड हो रही है इस हेडिंग वन के नाम के स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्टाइल को आपने अप्लाई करा, आपने अप्लाई करा है और आपने मॉडिफाई करा है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा सा उड़ाता हूँ, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बेसिकली अपना स्टाइल बनाना है, ठीक है। तो अपना स्टाइल न्यूली क्रिएट करना है मुझे, इसके दो तरीके हैं बनाने के। पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके इसके ऊपर ये क्लिक कर लेता हूँ। इसको नहीं करते हम, करते हैं कि उससे फॉन्ट साइज बना लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, और इसका कलर ये कर लेते हैं, और एक ये स्टाइल मैंने बनाया है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो है ना वो इन जगहों में अप्लाइड होना है, अब न्यूली अप्लाइड होना है, ये आपके पास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हेडिंग वन हेडिंग टू नज़र आ रही है। अब मुझे अपना बनाना है, तो आपके पास तरीका क्या है कि पहला तरीका जो बहुत आसान है वो ये है कि आपने कहा कि यार ये फॉर्मेटिंग जो है, आपको पता है फॉर्मेटिंग अपीयरेंस है जो कि इन कमांड से मिलके बनती है, इसको मुझे सब जगहों पे अप्लाई करना है, तो मैं चाहूँगा रिकॉर्ड करना उसको। तो उसके लिए बहुत आसान है कि आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, उस पैरा उस लाइन को, इस वर्ड को जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग हुई है, उसके बाद स्टाइल्स पेंस पर जाएंगे, स्टाइल्स के ऑप्शन में जाएंगे, स्टाइल्स पेंस पर जाएंगे, यहाँ पे जाके आप करेंगे न्यू स्टाइल, ठीक है। न्यू स्टाइल पे आपके पास विंडो बनी हुई आ जाएगी न्यू स्टाइल की, उसमें आप जाएं, यहाँ पे आ रहा है स्टाइल का नाम, आपने कहा कि स्टाइल का नाम जो है मैंने यहाँ पे रखा ALS, ठीक है। अच्छा, आपने ज़रूरी नहीं कि जो फॉर्मेटिंग ये आ रही है बस इसी को रख लें, अगर आपको लगता है कि नहीं चेंज करना चाहिए तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको आप ऐसे ही रखें, और लेकिन इसके अंदर आप थोड़े फॉन्ट साइज को कम कर दें, ठीक है। ये चीज़ हो गई मेरे पास। अब आपको और चीज़ें क्या करनी है, यहाँ पे मुझे करना क्या है कि यहाँ पे बनाना है पैराग्राफ स्टाइल। स्टाइल्स जो होते हैं उनके टाइप्स पांच किस्म की होती है, याद रखिएगा। पैराग्राफ जो कि इसका इफेक्ट यहाँ पे होगा, कैरेक्टर स्टाइल्स जो कि नॉर्मली वर्ड्स के नहीं होता है,
लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला होता है वो लिंक पैराग्राफ एंड कैरेक्टर्स का, जिसका असर ये होता है कि अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर भी वर्ड के ऊपर अप्लाई करना चाहूँगा तो वो भी हो जाएगा, इसके ऊपर भी अप्लाइड हो जाएगा, तो मल्टीपल चलता है। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ आप सबको भी कि लिंक पैराग्राफ स्टाइल को अप्लाई करें, ताकि आप पैराग्राफ के अंदर भी और जो हेडिंग्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकें। इसके अलावा टेबल्स भी आ रहे हैं, और टेबल्स के अलावा हमारे पास लिस्ट भी आ रही हैं, ठीक है। तो जो बहुत एडवांस लेवल के लोग होते हैं वो स्टाइल्स टेबल्स के लिस्ट के भी बना सकते हैं। अच्छा, आपको सिर्फ एक टाइप सीख लेनी है, बाकी आप सब कुछ बना के खुद से देखिएगा और आपको सब कुछ करना आ जाएगा। सिर्फ कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, वो क्या है कि पहले नाम दे दिया, स्टाइल दे दिया, साइकिल टाइप कौन सी है, स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली करना है आपको। नॉर्मल नॉर्मल है, अगर आपने हेडिंग वन कर दिया हेडिंग टू, तो वो हेडिंग वन जो अभी हमने बनाया था तो हेडिंग वन पे स्टाइल बेस, ये जो ALS का स्टाइल बना रहा है ये किस पे बेस हो, हेडिंग वन पे। अगर आप मॉस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सवाल आते हैं मॉस एक्सपर्ट के, ठीक है, तो मॉस एक्सपर्ट के अंदर ये सवाल आते हैं स्टाइल्स के, स्पेशलिस्ट में नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ। फॉलोइंग पैराग्राफ एक टेक्निकल चीज़ है समझने की, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ जो मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे टाइप करा, स्टाइल अप्लाई करा और मैं एंटर मारूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग एंटर मारने के बाद फॉलो ना हो, तो अगर मैं यहाँ से इसको नॉर्मल कर दूँ तो क्या होगा कि जब मैं यहाँ लिखूँ और लिखने के बाद स्टाइल्स को अप्लाई करूँ और एंटर मारूं, तो ये फॉर्मेटिंग फॉलो नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट पैराग्राफ में ना हो जो कि लिखा हुआ भी आ रहा है, तो हम इसको नॉर्मल कर देंगे। तो ये तो थी सेटिंग्स हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वही नॉर्मल चीज़ें जो हमने मॉडिफिकेशन में कर दी वो सारी सेटिंग्स आप अप्लाई कर लीजिए। और इसमें ऑप्शन जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली अपडेट का, ये रिकमेंडेड करा जाता है कि आप अक्सर इसको ना करें। ऑटोमेटिकली अपडेट का मतलब ये होता है कि अगर आपने स्टाइल्स 50 जगहों पे अप्लाइड हुए हैं, ठीक है, और आपने ऑटोमेटिकली अपडेट करा हुआ है, तो होगा क्या कि उसका इफेक्ट सब पे पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट करके एक को करना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए, सेशन में काम करना चाहते हैं तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि ऑटोमेटिकली अपडेट को आप अनमार्क करके काम करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं ग्लोबली सब पे चेंजिंग हो जाए, जब भी ज़रूरत से चेंज करूँ उस पर अप्लाइड हो जाए, तो आप इसको हमेशा मार्क करके रखें, डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास, अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्टाइल्स सेव हो जाए टेम्पलेट के तौर पर, जो कि नॉर्मल .dotm के नाम से होता है एक्सटेंशन, कि ये एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाए टेम्पलेट के तौर पर, तो टेम्पलेट के तौर पे जब ये सेव सेव होगा नॉर्मल .dotm के नाम से, तो उसमें क्या होगा कि इस स्टाइल को किसी और डॉक्यूमेंट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट के अगर ये डॉक्यूमेंट जो खुला हुआ है डॉक्यूमेंट वन, अगर मैं कोई और ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलूँगा तो ये वहाँ पे भी आता रहेगा। तो मैं इसको इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ दिस वन, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टाइल बन के आ गया ALS, क्लिक करता हूँ ALS, ठीक है। वही मॉडिफिकेशन करनी है तो आप मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले टाइप बताई, देखिए सिलेक्ट करें जो भी फॉर्मेटिंग आपने सेलेक्ट करी हुई उसको बना लें, अगर ना करी हुई आपने कोई फॉर्मेटिंग और सेलेक्ट तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कोई मसला नहीं है। आपने कहा कि भाई मुझे कोई रिकॉर्डिंग यहाँ से नहीं करनी है, मुझे अपनी रिकॉर्डिंग स्टाइल्स में आगे करनी है, तो आप जाएँ यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, स्टाइल्स पे जाएँ और आपको आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ पे दे दीजिए, ALS2 नाम दे दिया आपने। यहाँ पे आपने कोई भी कलर को अप्लाई करा, दिस वन मतलब हम इसको कुछ और कलर कर लेंगे, इस मतलब हम कहते हैं कि हम थोड़ा सा ये, इसके अलावा मैं ये ले लेता हूँ 16 सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ से ये चेंज कर लेता हूँ, ओके। तो अब ये ALS2 आ गया, ये मैंने बगैर सेलेक्ट करे हुए बनाया था, ये मैंने फॉर्मेटिंग को बना लिया था लोकल कमांड से और सेव कर लिया था फॉर्मेटिंग को, जो कि बड़ा आसान मेथड है। और दूसरा मेथड ये होता है कि आप अगर बहुत फेमिलियर हैं अपने सब कमांड्स, आपको पता है वो सब चीज़ें क्या होती हैं, तो वह फॉर्मेट में जाके सारी चीज़ों में आप चले जाइए डीप ड्राइव के अंदर जाके, वो जो सारे ऑप्शन आप यहाँ पे कर रहे होंगे या आगे से कर रहे होंगे वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। टोटल तमाम चीज़ें जो
डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होती हैं वो सब यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मॉडिफिकेशन करते वक्त कैटेगराइज करें कि जो है ना आपके पास फॉर्मेटिंग से मुतालिक ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। क्लियर है? तो ये था कि बस स्टाइल्स क्रिएशन, स्टाइल्स को आपने अप्लाई करा, स्टाइल्स को आपने मॉडिफाई करा, स्टाइल्स को आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से क्रिएट करा। ठीक है, एक चीज़ फिर हमने और भी देखी कि नेविगेशन पेन के अंदर ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेविगेशन पेन में हम शफलिंग भी शुरू कर देते हैं, अगर हम शफलिंग करना चाहें तो स्टाइल्स अप्लाई करके वो हम कर सकते हैं। मैं एक चीज़ एम्पल दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि ALS और ALS2 जो है, जो स्टाइल मैंने बनाया था वो स्टाइल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई करें तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जब वो बना रहे थे स्टाइल्स इसको, नहीं सॉरी, न्यू डॉक्यूमेंट बेस ऑन दिस टेम्पलेट हुआ हुआ था, ये मार्क हुआ हुआ था, तो इस मार्क होने की वजह से हुआ क्या था कि ये दूसरे डॉक्यूमेंट में आ रहा है। अगर आप इस पर नहीं क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि ये किसी और डॉक्यूमेंट में नज़र नहीं आएगा। वैसे रिकमेंडेड नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप किताब बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर ये स्टाइल्स आपके डॉक्यूमेंट में रहें, क्योंकि अगर आप स्टाइल्स बना बना के टेम्पलेट में सेव करते रहेंगे तो आपका ये बहुत ज़्यादा गैलरी बढ़ जाएगी और आपको कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। तो रिकमेंड करा जाता है आप किताब बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट्स बना रहे हैं, कोई रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप स्टाइल्स पे काम करें। स्टाइल्स बहुत पावरफुल वे है फॉर्मेटिंग का, बहुत स्मार्ट वे है, ग्लोबली चेंज हो जाता है, आपने देखा इस सब चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू।